नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। चाचा ने अपनी ही नाबालिग भतीजी को किया प्रेग्नेंट और महीनों तक करता रहा दरिंदगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अब आप भी सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में दरिंदे डोल रहे हैं। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर एक चाचा ने अपनी ही मासूम भतीजी को अपनी हवस का शिकार बना लिया। जी हां साथियों, बता दें कि मासूम छात्रा इस दरिंदे को अपने पिता का दर्जा देती थी, लेकिन इस हैवान के सिर पर तो कुछ और ही सवार था। इस सनक में इस दरिंदे ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिरकार विश्वास करें तो दोस्तों किस पर करें, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल दोस्तों बता दें कि पुलिस ने इस शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर उससे सही ठिकाने लगा दिया है। पुलिस से अभिरक्षा में दिखता यह जो शख्स आपको दिख रहा है दोस्तों, यह है निरापत बछाड़ है। इस पर आरोप है कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली इसकी सगी भतीजी को पिछले कई महीनों से इसने अपनी हवस का शिकार बना लिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता रहा। वह मासूम डर की वजह से इसकी दरिंदगी पिछले कई महीनों से सहती रही और बार बार गिड़गिड़ाने के बावजूद यह दरिंदा पिछले कई महीनों से उसकी असमत लूटता रहा। वह मासूम इस दरिंदे के सामने रहम की भीख मांगती रही, बावजूद इसके इस हैवान का दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजा। आखिरकार जब नाबालिग जो इसकी भतीजी है वो गर्भवती हो गई, तब घर वालों को इसकी जानकारी हुई, जिसके बाद पीड़ित बच्ची ने रो रो कर अपने परिजनों को अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने स्थानीय थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दोस्तों आपको बता दें कि आरोपी के द्वारा यह पहला घिनौना कृत्य नहीं है। इसके पहले भी ये महिलाओं के नहाते समय का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में जेल की हवा खा चुका है। लेकिन साथियों आप ही देखिए कि किस प्रकार का इंसान हो गया है जो अभी भी नहीं मान रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल 3 टीम बनाई और मुखबिर की सूचना पर दोस्तों इसे धर दबोचा है। अब दोस्तों आप ही बताइए कि ऐसे अपराधी को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, और दोस्तों अब आखिरकार विश्वास करें तो किस पर करें, जो रिश्तों की मर्यादाएं हैं वो दिन पर दिन दोस्तों ख़त्म होती जा रही हैं। और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चैनल, जिस पर बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी आप तक अपडेट करवाई जाती है। इसलिए बेझिझक होकर अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।